found the one, you should never give her up. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल हम लोग शिमला से आ गए हैं मनाली, और यहाँ पर हमने जो रिसोर्ट लिया है वो है विवान द सनराइज रिसोर्ट। ये रिसोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये रिसोर्ट। और यहाँ पर हमने कॉटेज लिया है, तो आज हम आपको इस कॉटेज का टूर कराते हैं और बताएंगे कि इसमें क्या है, कैसे है। सबसे पहले तो ये जो कॉटेज है पूरी लकड़ी की बनी हुई है, बहुत ही अच्छी। तो यहाँ पर थर्ड फ्लोर है, हम लोग सेकंड फ्लोर में, और ये तीनों फ्लोर हम लोगों के ही है, मतलब कोई कहीं भी हम लोग रह सकते हैं। तो ये पूरा हम लोगों ने लिया हुआ है। टू नाइट हम लोग यहाँ स्टे करेंगे, उसके बाद हम लोग वापस जाएंगे चंडीगढ़। तो गाइस चलिए फटाफट से हम आपको इस रिसोर्ट का, इस कॉटेज का टूर करवाते हैं। अभी से आइस में खेलने लगे, कल चलेंगे ना तब खेलना। कितना आइस, ये है हमारी कॉटेज। चलिए आज इसको, इसका टूर कराते हैं। हम आपको एंटर करेंगे और ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर। देखिए कुछ इस तरह से है। हाँ, यहाँ पर गन भी है और यहाँ पर है ये सोफे पड़े हुए हैं। और ये सबसे अच्छा तो इस होटल का क्या है कि हमें यहाँ का व्यू बाहर का बहुत ही अच्छा दिखता है। पूरा जो सनराइज होगा तो सबसे पहले इसी होटल से दिखाई देता है। तो आप देख सकते हो ये सबसे टॉप पर है ये। हाँ, तो यहाँ से इस तरह से ये है एरिया हमारा फर्स्ट फ्लोर का एंड ये बाहर का। एक मिनट, और ये बाहर का एरिया है और सामने माउंटेन आइस। दिखा देते हैं बाहर का व्यू कैसा है। अब हम यहाँ से ऊपर चलते हैं अपने रूम में। और हाँ, हमें कमेंट करके बताना आपको हमारा ये, हमारी ये कॉटेज कैसी लगी। ये स्विस कॉटेज है हमारी। यहाँ से आएंगे और यहाँ का जो नीचे का व्यू है ये भी काफी अच्छा है। देखिए यहाँ से हम अंदर आएंगे और ये थर्ड फ्लोर का है। कहीं भी रहो, फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर, कहीं भी रहो। और ये है हमारा बेड। कहाँ जा रहे हो? ऊपर नहीं जाइए। ऊपर क्या फ्रेंड्स देखेंगे? अभी बोला फ्रेंड्स को ऊपर दिखा दो। तो ये है हमारा बेड, है ना। और यहाँ से दिखाते हैं आपको बाहर का व्यू। बहुत ही अमेजिंग व्यू है, बहुत ही अमेजिंग सच में। देखिए ब्यूटीफुल ना। पहले हम लोग ये वाला रूम ले रहे थे, ये जो आप देख सकते हैं ना बाहर का एरिया है, जो पहले हम लोग ये वाला ले रहे थे, लेकिन हमारा बुक था कॉटेज। फिर हमने कहा नहीं, हम तो कॉटेज ही लेंगे, क्योंकि हमने जहाँ शिमला में लिया था तो वहाँ भी हमने कॉटेज ही ली थी। तो मैंने कहा मैं यहाँ पर भी कॉटेज ही लूंगी, वो भी अच्छा था। और ये बाहर दो चेयर पड़ी हैं, टेबल पड़ी है, चाय पियो आराम से बैठ के। दो दिन रुकना होता है और देखो कितने ताम झाम होते हैं ना। कितना सुंदर व्यू है। बहुत ज्यादा आइस है, पूरा माउंटेन जो है आइस से पूरा कवर है। देखिए रात होगी ना तो इतना क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, स्नोफॉल भी हो रहा है हल्का हल्का। आइस है, मेल्ट हो रही है ना आइस। चलिए अब रूम में चलते हैं और अभी दिखाते हैं आपको यहाँ का वॉशरूम। हाँ, अच्छा अच्छा चलिए। लेकिन मुझे यहाँ ज्यादा ठंडी नहीं लग रही, मुझे शिमला में बहुत ठंड लग रही थी, बहुत ज्यादा। यहाँ भरी हमारे सामान लगेज रखे हैं सारे, और यहाँ ऐसे कवर्ड दिए गए हैं इसमें सामान रखने के लिए, अपना सारा सामान रखने के लिए यहाँ कवर्ड दिए गए हैं। ये हमारा है
ड्रेसिंग टेबल और ये है हमारा वॉशरूम। इसकी लाइट कहाँ से ऑन होगी, इसको क्या दिखाना है ना। ये हमारा वॉशरूम करो हाँ। चलिए रेस्ट करिए, ऊपर क्या करेंगे। और ये भी आ गई है, ये हमारा थर्ड फ्लोर है। स्विच ऊपर ही होगा ना, ऊपर से ऑन करो उसको। और ये देखो ऐसे करके हमें चढ़ना है, पहले एक पैर इधर, फिर एक पैर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे करके चढ़ना है क्रॉस लेग करके। वाओ कितना सुंदर है, देखो वाओ। यहाँ पर तो बहुत सारी इंस्टा रील्स बनाएंगे। इसके अंदर तो कुछ नहीं, अपने मतलब का नहीं है वहां। वाह सुंदर है ना, गजब का। यहाँ से भी ये विंडो ओपन करेंगे और ये बाहर का व्यू दिखेगा। ये देखिए बाहर का व्यू, ये सबसे टॉप पर है ये वाला होटल। इसके बाद कुछ है नहीं। हाँ इसके बाद कुछ भी नहीं है। अभी रात हो गई है ना तो इतना क्लियर नहीं आ रहा है। नांगते हुए आए हाँ पूरा हम लोग करते हुए। जब वो आ रहा था हम क्या कितने ऊपर जाएंगे अभी, और कितने ऊपर जाएंगे, और कितने ऊपर, जब गाड़ी लेके आ रहा था हम बोल रहे थे चलो इसको बंद करो फोटो खींच। हाँ हाँ हमारा हाँ शिमला तो गीजर का हाँ हाँ गीजर चलने देना। पूछेंगे अभी उससे लाइट कहाँ से यहाँ की ऑन होगी। भी बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पर, बहुत प्यारा लग रहा, पूरा मनाली दिख रहा है। तो गाइस अभी मैंने आपको इस कॉटेज का पूरा टूर करवाया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है इंस्टाग्राम की, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पर मैं डेली रील्स को अपलोड करती हूँ, तो अगर आप लोगों को भी रील्स देखना पसंद तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहाँ पर आपको मेरे अच्छे अच्छे से रील्स देखने को मिलेंगे। तो जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।